गाय ने बताया, यह चार काम मनुष्य को अकेले में ही करना चाहिए एवं गुप्त रखना चाहिए। जो मनुष्य यह काम खुले में करते हैं एवं उन्हें गुप्त नहीं रखते, वो गरीब हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, यह तो आप भी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में गौ माता का एक विशेष स्थान है एवं गौ माता समय समय पर ऐसे संदेश देती हैं कि अगर व्यक्ति उन संदेशों को समझ जाए तो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों, सभी पशुओं में मात्र गाय ही ऐसी है जिसे माँ कहा जाता है। दोस्तों, शायद आपको यह पता हो या फिर ना मालूम हो, लेकिन गाय को माँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ शब्द की उत्पत्ति गौवंश से हुई थी। आयुर्वेद में वर्णन मिलता है कि माँ के दूध के बाद शिशु के लिए सबसे फायदेमंद एवं सेहतमंद गाय का ही दूध होता है। अन्य किसी और पशुओं का दूध शिशु के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता जितना कि गौ माता का दूध होता है। शिशु के माँ के दूध में जितना पोषण होता है उतना ही गौ माता के दूध में शिशु के लिए पोषण मिलता है। मित्रों, आप यह जान गए होंगे कि गाय को माँ क्यों कहा जाता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि माँ शब्द की उत्पत्ति गौवंश से हुई थी। आज हम अपनी माँ को माँ कह पाते हैं, माँ शब्द को देने वाला गौवंश है एवं शिशु के माँ के दूध में जितना पोषण होता है उतना ही गाय के दूध में होता है। तो मित्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं बहुत ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक एवं बहुत ही मोटिवेशनल है, तो कृपया वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। मित्रों, गौ माता में अनेकों चमत्कारिक गुण होते हैं। जो मनुष्य इन गुणों को समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि वह अपना भाग्य चमका सकते हैं। मित्रों, आज हम गौ माता के द्वारा बताई गई ऐसी चार बातों को जानेंगे जो मनुष्य के जीवन में कभी न कभी अवश्य घटित होती हैं एवं यह चारों घटनाएँ ऐसी हैं जो मनुष्य के जीवन में जब घटित होती हैं तो फिर उन्हें संभलने तक का अवसर नहीं मिलता और यह चार बातें बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। इसलिए इन चार बातों को समझिए और ध्यानपूर्वक सुनिए एवं इन चार बातों को अपने जीवन में जरूर अमल करिएगा। तो मित्रों, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सुखिया नाम का एक व्यक्ति था जो गांव के जमींदारों के यहाँ उनके गायों को चराने ले जाया करता था एवं उनकी सेवा किया करता था। ऐसा करने से गांव के जमींदार सुखिया को तनख्वाह दिया करते थे, मतलब कि सुखिया को सैलरी दिया करते थे। सुखिया का धन कमाने का यही एक माध्यम था जो उसे धन प्राप्त होता तो इस धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता। सुखिया का हर दिन का यही काम था, वह गाय की सेवा करे एवं उन्हें जंगल में चराने के लिए ले जाए, उसका यही रोज का काम था। मित्रों, जिस जंगल में सुखिया गायों को घास चराने के लिए ले जाता उसी जंगल के समीप एक पहाड़ भी था और पहाड़ में एक गुफा थी। उस गुफा में एक बड़े ही तपस्वी संत रहा करते थे। उन संत के पास एक बहुत ही चमत्कारिक गाय थी। वह गाय सुखिया के गायों के साथ मिलकर घास चरा करती थी और संध्या के समय जब सुखिया अपने गायों को लेकर घर जाने लगता तो वह गाय जो संत की थी वह सभी गायों से अलग होकर पहाड़ की ओर चली जाया करती थी। यह सब बहुत दिनों से चल रहा था। एक दिन जब सुखिया अपनी गायों को एकत्रित करके उनकी गिनती करने लगा तो गिनती करने के बाद उसे पता चला कि एक गाय अधिक है। सुखिया सोचने लगा कि हमें तो 100 गायों की सेवा करने का पैसा मिलता है पर यहाँ तो 101 गाय है। यह सोचते हुए शाम को सुखिया गांव के जमींदार के यहाँ गया और जमींदार से कहने लगा, जमींदार साहब, मुझे तो 100 गायों की सेवा करने का पैसा मिलता है लेकिन यहाँ तो 101 गाय हैं। यह सुनकर जमींदार कहने लगे, अरे ओ सुखिया, मैं तो तुम्हें 100 गायों की सेवा करने का ही पैसा देता हूँ जितना कि तुम गायों को चराने ले जाते हो, लेकिन एक गाय अधिक कैसे हो गई? सुखिया ने कहा, जमींदार साहब, मैं आपके सामने ही इन गायों की गिनती करता हूँ। सुखिया फिर से गायों की गिनती करने लगा लेकिन वहाँ पर 100 गाय ही थी। तब सुखिया कहने लगा, जमींदार साहब, मैंने जंगल में जब गायों की गिनती की थी तो वहाँ पर 101 गाय थी लेकिन यहाँ आकर 100 कैसे हो गई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सुखिया के मन में यह विचार आया कि हो सकता है कि हमारी गायों के बीच किसी अन्य की गाय आकर घास चर रही होगी। दूसरे दिन सुखिया ने उन 100 गायों को लेकर जंगल की ओर चला गया। हर दिन की तरह उन संत की वह गाय पुनः सुखिया के गायों में शामिल हो गई
सुखिया जंगल में पहुंचा और उसने फिर गायों की गिनती की तो उसकी गिनती में फिर से एक गाय बढ़ गई। यह सब देखकर सुखिया सोच में पड़ गया। सुबह से शाम हो गई। शाम को जब सुखिया अपनी 100 गायों को लेकर घर जाने लगा तो उसने एक बार फिर से गिनती किया, तब वहाँ पर 100 गाय ही थी। अगले दिन सुखिया यह सोचता है कि इस बार मैं निगरानी करूँगा। अगला दिन हुआ, सुखिया गायों की निगरानी कर रहा था। शाम हुई तो उसने देखा कि एक गाय है जो गायों की झुंड से अलग होकर पहाड़ों की तरफ जा रही है। सुखिया ने उस गाय का पीछा किया और वह गाय के पीछे पीछे उस पहाड़ की गुफा में पहुंच गया। उस गुफा में सुखिया ने देखा कि एक संत भगवान का नाम जप रहे हैं। सुखिया वहीं पर एक जगह छिप गया तो कुछ समय बाद सुखिया देखता है कि जिस गाय का सुखिया पीछा करता हुआ वहां पर पहुंचा था तो वह गाय सोने का गोबर कर रही है और उस सोने के गोबर को उठाकर वह संत अपने भंडार में रख रहे हैं। यह सब देखकर सुखिया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब सुखिया उस गाय के पास पहुंचा और गाय से कहने लगा, हे गौ माता, मैं बड़ा ही निर्धन व्यक्ति हूँ। मैं दिन भर जमींदारों की 100 गायों को चराता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, लेकिन जमींदारों के द्वारा मुझे उतना ही पैसा दिया जाता है जितने में मेरा जीवन यापन चल सके, और वह भी मेरा और मेरे परिवार का जीवन यापन बड़ी मुश्किल से चलता है। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। सुखिया की ऐसी बातों को सुनकर गाय ने कहा, हे भले मानुष, यदि तुम किसी से न बताओ तो कुछ देर बाद तुम मेरे स्वर्ण गोबर को तुम अपने घर ले जा सकते हो। सुखिया ने कहा, ठीक है गौ माता, मैं स्वर्ण गोबर के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। कुछ देर बाद सुखिया स्वर्ण गोबर को उठाकर अपने घर ले गया। अगले दिन सुखिया अपने 100 गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए गया तो हर दिन की तरह वह गाय भी सुखिया की 100 गायों के बीच में आकर चरने लगी और उस गाय के स्वर्ण गोबर को लेकर सुखिया अपने घर चला गया। ऐसा हर दिन हुआ करता था। मित्रों, समय बीता। कुछ समय बाद सुखिया एक धनी व्यक्ति बन गया। सुखिया के घर में अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सुखिया अब जमींदारों की नौकरी करना भी छोड़ चुका था क्योंकि वह एक धनी सेठ बन चुका था। लेकिन सुखिया उस स्वर्ण गोबर के बारे में एवं उस गाय के बारे में अपनी पत्नी को बताया करता था, जो कि गाय ने सुखिया को इन सब बातों को किसी से न बताने के लिए मना किया था। लेकिन सुखिया ने गाय की बातों को नहीं माना। लेकिन दोस्तों, सुखिया की उन्नति को देखकर, सुखिया के धन वैभव को देखकर सुखिया के पड़ोसी उससे जलने लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे। वह सभी सोचने लगे कि सुखिया इतना मंदबुद्धि होने के बावजूद भी इतना अमीर कैसे हो गया। आखिर सुखिया को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जिससे सुखिया इतना अमीर हो गया। पहले तो यह जमींदारों के यहाँ नौकरी किया करता था लेकिन अब खुद ही सेठ बनकर बैठा हुआ है। दोस्तों, तत्पश्चात सुखिया के पड़ोसी सुखिया की निगरानी में लग गए। मित्रों, सुखिया जब गौ माता की पूजा किया करता उसके सभी पड़ोसी उसे देखा करते और जब सुखिया भोजन किया करता तब भी लोग उसे देखा करते और जब सुखिया अपनी पत्नी से बातें करता तब भी लोग छिपकर सुखिया की बातों को सुना करते। सुखिया की ज़्यादा तरक्की गांव वालों के लिए चर्चा का एक विषय बन चुका था। गौ माता ने सुखिया को स्वर्ण गोबर के बारे में किसी से ना बताने को कहा था लेकिन सुखिया ने अपनी पत्नी को उसके बारे में बता दिया था, इसलिए सुखिया को अब स्वर्ण गोबर नहीं मिल रहा था। बचा हुआ जो धन था उसमें सुखिया ने खूब ऐसो आराम किया और एक दिन ऐसा आया जब सुखिया पहले से भी ज़्यादा निर्धन हो गया। अपने निर्धनता को देखकर सुखिया एक बार फिर से उसी गौ माता के पास गया और उसे कहने लगा, हे गौ माता, मैं पुनः निर्धन हो गया हूँ, मुझ पर कृपा करो। सुखिया की बातों को सुनकर गौ माता ने कहा, हे सुखिया, यह तुम्हारे करने का फल है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने सुख और दुख भोगता है। मैंने तुम्हें स्वर्ण गोबर के बारे में किसी से न बताने को कहा था लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम आज निर्धन हो गए हो। लेकिन चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में काम आने वाली 4 बातों को बताती हूँ, ध्यान से सुनो। पहली बात यह है कि जब भी भगवान का ध्यान करो तो अकेले में करो, क्योंकि अगर अन्य लोगों के बीच भगवान का ध्यान करोगे तो तुम भगवान का ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों के बीच भगवान का ध्यान करना बहुत ही कठिन है। इससे तुम्हारा मन भिन्न हो जाएगा, अर्थात मन भगवान के ध्यान में नहीं लगता। दूसरी बात, अगर कोई रहस्य तुम जानते हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि अगर तुम्हारे रहस्य को कोई दूसरा जान गया तो फिर वह रहस्य नहीं रह जाता, वह गुप्त नहीं रह जाता,
इससे तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी बात, किसी भी मनुष्य को अपने धन के बारे में किसी से कभी नहीं बताना चाहिए। अगर तुम अपने धन के बारे में दूसरे से बताओगे तो इससे होगा यह कि एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। धन के मामले में हत्याएं भी हो जाया करती हैं, चोरी डकैती आम बात है, इसलिए अपने धन और कमाई के बारे में किसी से मत कहो। चौथी बात, अपने सपने को कभी भी किसी से मत बताओ, अर्थात जो तुमने जागते हुए सपनों को देखा है और उसमें जब तक तुम सफल ना हो जाओ तब तक किसी से मत कहो, क्योंकि अगर तुम उस कार्य में सफल ना हुए तो लोग तुम्हारी निंदा भी करेंगे और तुम पर हंसी भी करेंगे। हे सुखिया, इन चार बातों को अपने आप में ही समेटे रहो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन कुछ हद तक सुखी हो जाएगा।